हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरी यूट्यूब चैनल रसोई का जादू को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट और नए वीडियोस जल्द से जल्द पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन रसोई का जादू में। आज मैं आलू चाप की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बिहार का फेमस डिश है, बिहार में इसे बहुत ही पसंद किया जाता है। इस रेसिपी को बहुत लोग इसे बनाने का ट्राई करते हैं लेकिन वो सही तरीके से बना नहीं पाते। लेकिन आप अगर मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो आपके आलू चॉप बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आलू चॉप बनाना। आलू चॉप बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू को उबाल करके अच्छी तरह से छील करके मैश कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला। अब इसमें हम डालेंगे पानी और डाल करके इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए हमने अच्छी तरह से मिला लिया है, इसका हमने एक पतला घोल तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। अब उसमें हम सरसों तेल डालेंगे और गर्म होने देंगे। सरसों तेल हमारा गर्म हो गया है, उसमें हम आधा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और तड़कने देंगे। जीरा हमारा तड़क गया है, अब उसमें हम एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, और इसे हम फ्राई करेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, उसमें हम एक हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटा हुआ, इसे भी हम फ्राई करेंगे प्याज के साथ ही। प्याज हमारा फ्राई हो गया है, उसमें हम डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छी तरह से मिला देंगे और फ्राई होने देंगे। अदरक लहसुन हमारा फ्राई हो गया है, अब इसमें हम जो मसाले को हमने घोल बना करके रखा था उसे हम डाल देंगे और फ्राई करेंगे। मसाले को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हम थोड़ी देर ही इसे फ्राई करेंगे। मसाला हमारा फ्राई हो गया है, अब इसमें हम मैश किया हुआ आलू डाल देंगे और डाल करके इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और अच्छी तरह से हम मिलाएंगे और इसे मिलाते हुए हम फ्राई करेंगे। देखिए आलू हमारा फ्राई हो गया है अच्छी तरह से। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया कटा हुआ और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और आलू को ठंडा होने देंगे। आलू हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने लिया है एक बाउल, और उसमें हम डालेंगे एक कटोरी बेसन, और इसी कटोरी से हम डालेंगे आधा कटोरी गेहूं का आटा। इसी मेजरमेंट से डालें आप। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर, और इसमें डालेंगे हम पानी, और इसे हम चम्मच से अच्छी तरह से मिलाएंगे। पानी को हमें थोड़ा थोड़ा डाल करके घोल बनाना है, सारा पानी एक साथ ना डालें। देखिए चम्मच से इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। अब इसमें हम थोड़ा और पानी डालेंगे और डाल करके हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, और एक हम पतला घोल तैयार कर लेंगे। देखिए इसी तरह का घोल हमें चाहिए। अब कलर के लिए हम डालेंगे फूड कलर, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे और ढक करके 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। इधर आलू भी हमारा ठंडा हो गया है, अब इसमें से हम थोड़ा सा ले लेंगे नींबू के बराबर, और इसे हम गोल लोई की तरह बनाएंगे। हाथों से दबा दबा करके इसे अच्छी तरह बनाना है। अब इसे हम टिक्की के शेप में बना देंगे और चारों तरफ से इसे हम अच्छी तरह से दबा दबा करके बनाएंगे गोल शेप में। एक चाकू हमने बना लिया है, अब दूसरे को भी हम इसी तरह से बनाएंगे। फिर से हम आलू को उसी साइज का तोड़ लेंगे और टिक्की के शेप में बना देंगे। दूसरा चाप भी हमारा बन गया है, अब इसी तरह से हम सभी आलू को बना लेंगे। देखिए हमने सभी आलू का चाप बना लिया है। अब इधर बेसन का घोल भी हमारा सेट हो गया है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। अब उसमें हम तेल डालेंगे और गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब एक एक चाप को हम लेकर के बेसन के अंदर पलट पलट करके डुबा देंगे, और डुबो करके हम तेल के अंदर डाल देंगे। इसी तरह से हम सभी चाप को बेसन के अंदर डुबो करके तेल के अंदर डालते जाएंगे। देखिए हमने चाप को तेल के अंदर डाल दिया है, अब इसे हम एक तरफ से फ्राई होने देंगे। देखिए आलू चॉप हमारा एक तरफ से फ्राई हो गया है, अब इसे हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई होने देंगे।
आलू चाप को हमने पलट पलट करके अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है दोनों तरफ से। अब इसे हम निकाल लेंगे। आलू चाप हमारा बनके तैयार है। आप इसे सुबह के नाश्ते में या शाम के चाय के साथ बना करके खा सकते हैं। ये आलू चाप बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करें। अगर आपको ये हमारी आलू चाप की रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।